श्रीमतां वरिष्ठं पातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विश्रवा ने राक्षस कन्या केक्सी से गांधर्व विवाह करके उसे गुरु पत्नी बनाया। ये बात विश्रवा के शिष्यों को स्वीकार न थी। वे आपस में चर्चा करके अपने गुरु के आश्रम को त्याग देने का निश्चय करते हैं और विश्रवा के रोकने पर भी आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। तभी केक्सी आकर विश्रवा को आश्वासन देती है कि वे अपने शिष्यों के जाने का दुख न करें, क्योंकि कुछ ही समय बाद उनका होने वाला पुत्र उनकी शिष्यता ग्रहण करके उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, उनका नाम अमर करेगा। उधर स्वर्गलोक में नारद की भविष्यवाणी से आतंकित पुंजिकस्थला पवन देव से आग्रह करती है कि नारद का पता लगाएं, क्योंकि उनसे उस भविष्यवाणी का रहस्य जाने बिना उसका मन शांत नहीं होगा। उधर नारद की भेंट अपने बाल सखा पर्वतो से होती है। पर्वतो नारद के सम्मुख राजकुमारी श्रीमती के अनुपम सौंदर्य की प्रशंसा करता है। नारद की खोज में निकले पुंजिकस्थला और पवन देव उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाते हैं। अचानक उनकी दृष्टि शिव की भेजी ज्योति की रक्षा करने वाले नग मुनि के आश्रम पर पड़ती है और वे नारद का पता लगाने के लिए वहां पहुंचते हैं। एक अप्सरा की छाया ने उस यज्ञ ज्योति को अपवित्र कर दिया है। ये देखकर नग मुनि क्रोधित होते हैं और पुंजिकस्थला और पवन देव को वहां से चले जाने का आदेश देते हैं। उधर जब राजकुमारी श्रीमती वन विहार के लिए निकलती है तो उसकी एक झलक पाकर नारद सम्मोहित हो जाते हैं और अपने मित्र पर्वतों की बात स्वीकार करके श्रीमती के स्वयंवर में जाने की बात मान लेते हैं। वे भगवान विष्णु से एक दिन के लिए श्रीहरि का सुंदर रूप पाने के लिए वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। नारद भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वयंवर में श्रीमती को पाने के लिए श्रीहरि रूप प्रदान करें। विष्णु नारद की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, परंतु नारद को क्या पता था कि श्रीहरि का रूप एक वानर का होगा। जब वानर रूप धारण करके नारद श्रीमती के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो सबके परिहास का पात्र बनते हैं। जब वे जल के दर्पण में अपना वानर मुख देखते हैं तो उनका हृदय भगवान विष्णु के प्रति क्रोध की ज्वाला से जल उठता है। वैकुंठ लोक पहुंचकर क्रोध के आवेग में अपनी भक्ति भावना भूलकर वे विष्णु को शाप देते हैं कि उन्हें भी इसी प्रकार अगले अवतार में स्त्री का वियोग सहना होगा। विष्णु नारद के शाप को सहर्ष स्वीकार करते हैं। ओम पितृदेवो भव स्वाहा, पितृदेवो भव स्वाहा, ओम मातृदेवो भव स्वाहा, मातृदेवो भव स्वाहा, परंपराय पुण्य प्राप्त हेतु भव स्वाहा। यह अकस्मात आश्रम पर ऐसे भयानक लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? देवी कैसी हो तुम? आज हवन के लिए भी नहीं आई? अब हवन की क्या आवश्यकता है स्वामी? मेरे पिताश्री की मनोकामना पूर्ण होने में अब अधिक समय नहीं है। हाँ देवी, हमारे पुत्र के प्रकट होने का समय आ गया है। मेरी ज्योतिष विद्या भी यही बताती है, किंतु
किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि आश्रम के आसपास ये अशुभ लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये गीदड़ों का रोना, ये कौओं का मंडराना, ऐसे अशुभ लक्षण तो पहले कभी दिखाई नहीं दिए देवी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा होने वाला पुत्र अशुभ लक्षणों वाला है? नहीं नहीं देवी, ये बात नहीं है। यही बात है जो आप स्पष्ट कहना नहीं चाहते। जब से मुझ में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे, आपके मन में एक अनजाना भय समा गया है। परंतु ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरा होने वाला पुत्र महाप्रतापी और विश्वविजयी होगा। ब्राह्मण और राक्षस कुलों के संगम से उसमें ऐसी शक्ति जागृत होगी जिसका सामना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा। पूज्य पिता पुलत से ऋषि की कृपा से ऐसा ही हो, मैं भी यही चाहता हूँ देवी। क्या हुआ देवी? स्वामी, मेरा उदर वेदना से फटा जा रहा। आपके इस सूने आश्रम में मेरी सहायता कौन करेगा? मेरे लिए उत्तम और कुशल दायु की व्यवस्था कीजिए, जल्दी कीजिए स्वामी। देवी देवी, तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। आओ। उधर तुम्हारी स्वामिनी अंदर है, उनकी तुरंत सहायता करो। हे परम पिता ब्रह्मा, पूज्य पिता पुलत्स्य ऋषि, ये भयानक लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या मेरे पुत्र के जन्म के साथ कुछ अघटित घटित होने वाला है? जन्म के साथ ही ये बालक इतना बड़ा कैसे हो गया? ये है आप जैसे तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण और मुझ जैसी राक्षस कन्या के तंज का चमत्कार। इसे देखते ही मेरी सारी पीड़ा जाती रही, मेरा हृदय हर्ष और उल्लास से खिल उठा। वत्स, अपने पिता को प्रणाम करो इस तरह। आयुष्मान, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? बताइए स्वामी, अपने चमत्कारी पुत्र को इसका नाम। हाँ, आप तो तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, मेरा नाम बताइए ना। बेटे, तुम
जन्म लेते ही रोए थे। मुझे क्या मालूम कि मैं रोया था कि हंसा था। असाधारण रूप से रोने और विकट रूप से हंसने वाले का नाम रावण क्यों ना रख दिया जाए? रावण, हाँ अच्छा नाम है रावण। माँ आज से तुम मुझे रावण कहकर पुकारो। रावण तुम सचमुच चमत्कारी हो, अपने नाना की मनोकामना तुम अवश्य पूर्ण करोगे। नाना कहाँ है नाना? आयुष्मान मत, दैत्य कुल देवता भैरव भूतनाथ कल्याण करे। सुमाली माली माल्यवान अब सावधान हो जाओ, राक्षसों का अभ्युत्थान अब अत्यंत निकट है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने में अब विलंब नहीं है। बस जिस कार्य के लिए तुमने केकसी को ऋषि विश्रवा के पास भेजा था वो सफल हुआ। केकसी की कोप से तुम्हारे ऐसे नाती का जन्म हुआ है जो तुम्हारे शत्रु देवताओं का काल बन के प्रकट हुआ है। आचार्य प्रवर गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी इतनी शीघ्र सत्य सिद्ध होगी ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बालक समय की गति को पछाड़ता हुआ तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्म तेज के साथ ही उसमें राक्षस कुल का अभिमान भी है। यही अभिमान राक्षसी आत्मा का तेज पाकर सारे संसार को एक बार की भय की खाइयों में धकेल देगा। हम अपने उस नाती को देखने के इच्छुक हैं गुरुवर। यह समाचार पाते ही उसे देखने की हमारी ललक और भी बढ़ गई है। हमने अपने योग बल से देखा सुमाले, वो चमत्कारी बालक जन्म लेते ही 8 वर्ष के बालक की भांति वाचाल व चंचल हो उठा है। उस बालक में यदि एक हठ योगी का हठ है तो एक राक्षस की हिंसक दृष्टि भी है। अपना लक्ष्य पाने के लिए वो बालक मृत्यु से भी खेल सकता है। अब तुम्हारे भविष्य पर छाया अंधेरा हटने लगा है सुमाली। हम तुम सबको यही शुभ समाचार देने आए थे। दैत्य कुल देवता भैरव भूतनाथ सबका कल्याण करें। आचार्य प्रवर के इस शुभ समाचार ने हमारी मृत आशाओं में प्राण फूंक दिए हैं। अब हम शीघ्र ही उस बालक को देखने विश्रवा आश्रम जाएंगे। इस गुफा के अंधेरों में घुट घुट कर हम जी रहे थे सुमाली, अब हम बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे और ये सब केकसी पुत्र के कारण ही संभव होगा। धन्य है रे केकसी तू, धन्य है। राजा सुमाली माली, केकसी पुत्र को देखने के साथ ही हमें उसे धन्यवाद करने का अवसर भी मिलेगा। चलो 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 शीघ्र चलो शीघ्र चलो। रावण बेटा क्या कर रहे हो? तो भोजन दे दो, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगा। रावण रावण रावण, देखो बेटा तुम ऋषि विश्रवा की संतान, तुम्हारे लिए स्नान संध्या से पहले कुछ भी खाना पाप है। जाओ पहले नदी में स्नान करके आओ। जाओ मुझे भोजन दे दो, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगा। केकसी, कैसा है यह हठी बालक? इसने हमारे आश्रम कुल परंपरा की सारी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। सारी पुरानी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ही मेरे दोहित्र ने जन्म लिया है। तात केकसी आओ,
आओ मेरे प्रिय धोहित्र, मेरे गले लग जाओ। ऋषिवर, मेरी केकसी के पुत्र को जगत में महान बनना है, इसे महान बनाने में पूरा सहयोग दीजिए। प्रिय दोहित्र, तुम्हारा नाम क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। मुझे नाना कह के पुकारो वत्स। तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। नाना, ये नाना क्या होता है? बेटा रावण, माँ के पिता को नाना कहते हैं बस। ये तुम्हारे नाना है और ये तुम्हारे नाना के दो भाई हैं। अच्छा, तो अब तक कहाँ थे आप? किसी अनजान कोने में छुपा बैठा था वत्स, पर अब तू आ गया है तो मैं सारे डर छोड़कर बाहर आ गया हूं। माल्यवान, परशु दो अपने दोहित्र को। बेटा रावण, ये परशु राक्षसों के स्वाभिमान का चिन्ह है। इसी परशु से तुम्हें समस्त शत्रुओं को परास्त करना है। तू राक्षस संस्कृति का प्रतीक है। इस परशु से मैं अपने सारे शत्रुओं की गर्दन काट दूंगा। धन्य हो बाप, धन्य हो। बेटा रावण, ऐसा नहीं कहते। तू ब्राह्मण पुत्र है, ऋषि पुत्र, गर्दने काटने की बातें करना उचित नहीं है पुत्र। ऋषिवर, मेरे दोहित्र ने कोई अनुचित बात नहीं की। शत्रुओं का वध करना वीरों का कर्तव्य है। स्वामी, रावण ब्राह्मण पुत्र अवश्य है, परंतु इसका जन्म शत्रुओं का नाश करने के लिए हुआ है। ब्राह्मणत्व का नाम लेकर इसकी वीरता को उभरने से न रोकिए। मेरी पुत्री केकसी सत्य कह रही है ऋषिवर। रावण का ब्राह्मण होना एक संयोग मात्र है, परंतु इसका भविष्य राक्षसों के उत्थान से जुड़ा है। ये वीर बालक एक दिन राक्षसों का गौरव बनेगा। अच्छा ऋषिवर, अच्छा बेटी केकसी, अब हम चलते हैं। रावण को शक्तिशाली और गौरवयुक्त बनाना अब तुम्हारा कर्तव्य है, और आपका भी ऋषिवर। उस अपराध की जड़ जो मेरे मन में जागा था। ना ये समुद्र से बाहर निकलती, ना मैं इसे देखता, ना मेरे हृदय में स्त्री के प्रति मोह उत्पन्न होता। इसी के कारण मैं हास्य और क्रोध का पात्र बना हूं। देवी पुंजिक स्थला, आप अभ्यास करते करते अचानक क्यों रुक गई? नहीं, अब ये नृत्य का नाटक मुझसे और नहीं होगा। मेनका, मन कुछ ठीक नहीं है। क्या पवनदेव से कुछ अनबन हो गई है देवी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मन ही नहीं करता कुछ करने के लिए। पुंजिक सला, लो वे आ रहे हैं तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे उदास मन में फिर से आनंद जगाने के लिए। चलो मेनका। पुंजिका, सारे स्वर्ग में यह बात फैल चुकी है कि तुम मुझसे रूठ चुकी हो, और यह समाचार स्वर्ग के सम्राट इंद्रदेव तक भी पहुंच चुका है। नारायण नारायण नारायण, अब आप दोनों अनजान बने नहीं रह सकते। जान लीजिए कि अब आप लोगों को क्या करना है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम मुनिवर। नहीं नहीं, मैं ये प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ।
डरिए नहीं देवी, सत्य तो यह है कि मैं यहाँ आप लोगों को प्रणाम करने आया हूँ। अपने क्रोध के कारण मैंने आप लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए क्षमा मांगने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? बताइए बताइए देवी, आपने मुझे क्षमा किया या नहीं? देवर्षि, आप तो महान हैं, हम आपके सामने बहुत छोटे हैं, क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना कीजिए। हमें केवल इतना बता दीजिए कि हमारे साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला है। हाँ देवर्षि, भविष्य की जिस घटना से आपने हमको सावधान रहने के लिए कहा था वो क्या है, कृपा करके हमें बता दीजिए। देवर्षि, आप क्या सोच रहे हैं? पवन देव, देवी, उस समय आपके साथ घटने वाली घटना का केवल आभास ही हुआ था, परंतु अपने विनोदी स्वभाव के कारण मैंने बात बड़ा चढ़ाकर कह दी। अब आप लोगों को उस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये सत्य है मुनिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी। कुछ महान घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रारंभ और अंत आश्चर्यजनक होता है। देवी, मैं इस समय केवल आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी घटित होगा उसका परिणाम अंततः शुभ ही होगा। नारायण नारायण। पुंजिका, अब सारी चिंताएं छोड़ दो, देवर्षि ने जब सब कुछ स्पष्ट कह दिया है तो अब तुम्हें उदास रहने की क्या आवश्यकता है? हाँ देवी, मुस्कुराइए और स्वर्ग का सच्चा आनंद लीजिए। पिछली बार जब मैं आया था तो देवराज इंद्र से मिले बिना ही लौट गया था, इस बार इंद्र और शची दोनों से मिलकर ही जाऊंगा। चलिए मुनिवर, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। नारायण नारायण। प्रिय, आज तो देवी पुंजिक स्थला अपनी सहेली नर्तकियों के साथ नृत्य का नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली थी। देवराज, पुंज स्थला के सहेलियों ने सूचना दी है कि आज उनका मन कुछ स्वस्थ नहीं है, इसलिए। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। कहिए शची देवी, सब आनंद मंगल तो है? बस देवर्षि, आपकी कृपा है। देवर्षि, पिछली बार स्वर्ग आकर आप हमसे मिले बिना ही लौट गए थे, क्या हमसे कोई भूल हो गई थी? भूल तो मुझसे हुई थी प्रभु, जो शीघ्रता में आपके पास आने से रह गया। आश्चर्य है, आपको इस बात का कैसे ज्ञान हुआ? स्वर्ग में कहां क्या हो रहा है उसका पता हमें नहीं होगा तो हमें स्वर्ग के अधिपति कहलाने का कोई अधिकार नहीं। नारायण नारायण। अपनी उसी भूल की परिमार्जन के लिए तो मैं यहाँ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, और अपने साथ देवी पुंजिक स्थला और पवन देव को भी लाया हूँ। देवर्षि, हम कई दिनों से देख रहे हैं देवी पुंजिक स्थला उदास रहने लगी है और इनका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा है। परंतु वैसी कोई बात नहीं है देवराज, देवी पुंजिक स्थला के मन में अकारण एक भय सा बैठ गया था, देवर्षि नारद ने आज इसका निराकरण कर दिया है। मैं इनसे यही कहने आया था, व्यर्थ का भय अपने मन से निकाल दें, स्वर्ग का पूर्ण आनंद लें और स्वर्ग की राज्य सभा को अपने मधुर संगीत और नृत्य से पुनः गुंजायमान करें। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। देवऋषि कहाँ चले? कुछ देर ठहर के स्वर्ग के नृत्य संगीत का आप भी आनंद लें। ना 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 ना, इन मन लुभाने वाली वस्तुओं को तो मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। नारायण नारायण। स्वामी, पुंज स्थला ने पिछले दिनों मन से अस्वस्थ होने पर भी नृत्य और संगीत के लिए बहुत परिश्रम किया है, अब इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। देवी शची, हम भी तुमसे पूर्ण सहमत हैं। पवन देव, देवी पुंजिक स्थला, आप दोनों का अटूट प्रेम हमसे छुपा हुआ नहीं, आप दोनों को अधिक से अधिक संग साथ मिले, आपका प्रेम और भी प्रस्फुटित हो,
इसके लिए इच्छा अनुसार जहां चाहें विहार कर सकते हैं। जो आज्ञा देवराज। देवी, अपने हृदय की उर्मियों को उन्मुक्त होकर बहने दो। हमारी कामना है कि आप दोनों प्रेमी प्रेम की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करें। सदासल्लो सदासत्तानि नासी द्वजोरो व्योमो परोयत किमावरीयकुहकस्य शर्वनम्भ किमासीत गहनं गंभीरं ॐ क्लीं स्वाहा ॐ क्लीं स्वाहा ॐ क्लीं स्वाहा ॐ चामुण्डाय स्वाहा ॐ ह्रीं स्वाहा ॐ क्लीं स्वाहा। शिविर, मेरे बेटे ने कुछ ही दिनों में आपका स्थान ग्रहण कर लिया है। हमारा रावण पुलस्त से पौत्र विश्रवा पुत्र तेजस्वी ब्राह्मण बन गया है। सत्य कह रही हो देवी, हमें रावण से बड़ी बड़ी आशाएं। और ये हमारी सारी आशाएं पूर्ण करेगा। ऐसा ही। माँ, आओ पुत्र। माँ, अब मेरा ब्राह्मण कर्म संपन्न हुआ। अब मैं शक्ति परीक्षा के लिए वन में जा रहा हूँ। रावण बेटा सुनो, रावण। अरे रावण, रावण। स्वामी, रावण। स्वामी रुक जाओ बेटा, रावण रुक जाओ। स्वामी, प्रणाम मातम ऋषि। आयुष्मान भव, हम नदी से स्नान करके अभी लौटते हैं, तब तक यज्ञ की तैयारी करो। जो आगे गुरुदेव। Thank you.
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। आश्रम का नदी तट है, यहां उद्दंडता करने का साहस तुम्हें कैसे हुआ? दंड स्त्री, बंद कर ये जल क्रीड़ा, यहां के पवित्र वातावरण को अपवित्र न कर। ऋषि महाराज, आप अपनी सीमा लांघते जा रहे हैं। नदी के जल पर सबका अधिकार होता है और जल क्रीड़ा करना हम अप्सराओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। देवी पुंजिक सलाह ठीक कह रही है ऋषिवर, आप व्यर्थ विवाद ना खड़ा कीजिए। अर्थात तुम मेरे और मेरे आश्रम के अधिकार को चुनौती दे रहे हो? महर्षि जी, अपनी महानता के भ्रम में पड़कर चुनौती तो आप हमें दे रहे हैं। यदि आपसे हमारी जल क्रीड़ा देखी नहीं जाती तो या तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए या आश्रम में जाकर विश्राम कीजिए। तो तू पुंजिक स्थला अप्सरा है, तुझे अपनी शक्ति और अपनी चंचलता पर बहुत गर्व है, और तुम हो पवनदेव। अब मैं पहचान गया तुम दोनों को। अच्छा किया जो पहचान गए, अब अपनी पहचान बताइए महाराज। लगता है तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें इतना बाचाल और भ्रष्ट बना रहा है। अप्सरा, अब भी संभल जा, चली जा चुपचाप हमारे आश्रम के परिसर से। चली जाऊं? क्यों भला? पवन, देखा, इतने दिनों के बाद तो हमें विहार करने का अवसर मिला है, और ये महाराज हमें यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे हैं। इनका साहस तो देखो। तू मेरा साहस देखना चाहती है, मेरी शक्ति को परखना चाहती है? तूने मेरे ऋषित्व तेज को ललकारा है, अब तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब सरा पुंज स्थला, मैं तुझे शाप देता हूँ, जिस तरह बानरियों जैसी चंचलता से तूने हमारे आश्रम के पवित्र वातावरण को दूषित किया है, वैसी ही बानरी तुम जन जन्मांतर तक बनी रहो। तेरे रूप का गर्व और चंचलता देखते ही देखते मिट्टी में मिल जाए, और तू इसी समय बानरी बन जाए, बानरी बन जाए, बानरी बन जाए। ऋषिवर, ऐसा अनर्थ न कीजिए, अपना शाप वापस ले लीजिए, मेरी पुंजक स्थला को उसका पूर्व रूप फिर से प्रदान कीजिए। ऋषिवर, मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी, बार बार सावधान किया, परंतु तुम्हारा अभिमान तुम्हें ले डूबा। पवनदेव, शाप धनुष से निकले बाण की तरह होता है, वो वापस नहीं लिया जा सकता। तुम दोनों ने रिद्धि प्राप्त मातंग ऋषि की आराधना में विघ्न डालकर उसकी शक्ति को ललकारा है,
अब तुमको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। ऋषिवर, हम दोनों का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, इसे इतना कठोर शाप ना दीजिए। इस पर दया करके इस शाप का परिमार्जन कीजिए ऋषिवर। तुम दोनों ने अभिमान में आकर कितनी बड़ी भूल कर दी पवनदेव। मेरे परम तेज को ललकारा तुमने और इसका परिणाम तुम देख रहे हो। अब तुम दोनों के प्रति मेरा हृदय पसीज रहा है, परंतु मैं विवश हूं। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं ऋषिवर। मैं केवल इतना ही आशीर्वाद दे सकता हूं कि पुंजिक स्थला इस वानर रूप में इसी जन्म तक रहेगी, तत्पश्चात वानर कुल में उत्पन्न होने पर भी वो जैसा चाहे वैसा अपना रूप ले पाएगी। तब तक मेरे शाप का प्रभाव जाता रहेगा। पवनदेव, पुंजिक स्थला को मेरे शाप के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए किसी एकांत शिवालय में शिव की आराधना करनी होगी, तब उसका कल्याण होगा। No more.